नमस्कार दोस्तों, अगर आपको फोड़े फुंसी लगातार होते हैं और फोड़े या फुंसी या आपको स्किन की प्रॉब्लम लगातार होती है तो आपको एक ब्लड प्यूरीफायर मतलब खून को शुद्ध करने की एक दवा आपको लेनी चाहिए और आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा और एक ब्लड प्यूरीफायर होम्योपैथिक ब्लड प्यूरीफायर आपको बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको बार बार फोड़ा होता है या फुंसियाँ ज़्यादा होती हैं या पिंपल्स ज़्यादा होते हैं या आपको स्किन डिसीज जैसे कि सोराइसिस, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, किसी भी तरह का रिंग बॉम वगैरह अगर आपको ज़्यादा होते हैं, ठीक होने के बाद बार बार हो रहे हैं, तो आपको एक ब्लड शुद्ध करने के लिए मतलब रक्त शुद्ध करने के लिए आपको एक दवा चाहिए। रक्त को, ब्लड को आपको शुद्ध करने के लिए एक मेडिसिन की आवश्यकता है और उसको ब्लड प्यूरीफायर बोलते हैं। आप नॉर्मली मेडिकल शॉप में जाके उस साफी ले लेते हैं। तो एक होम्योपैथिक ब्लड प्यूरीफायर आता है और बाकी होम्योपैथिक ब्लड प्यूरीफायर दवा के बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि होम्योपैथिक ब्लड प्यूरीफायर कौन सा है। तो आज मैं आपको जर्मन होम्योपैथिक ब्लड प्यूरीफायर के बारे में बताऊंगा और ये है R60 और ये बहुत ही अच्छी ब्लड प्यूरीफायर है। आप एक बार अच्छे से देख लें तो ये ब्लड प्यूरीफायर है R60 और R60 ये बहुत ही अच्छी ब्लड प्यूरीफायर है। इसको मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में, फिर इसको लेना कैसे है इसके बारे में बात करेंगे और फिर इसको मेरा ओपिनियन क्या है, मैंने कितने पेशेंट्स को दिया है, क्या इसको कैसा आराम लगा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि कैसा क्या है, फिर उसके बाद कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ये इस टाइप की फाइल में आती है, 22 ml की 22 ml की फाइल ये रहती है और बस इसको ऐसा ये फाइल है, सिंपल सी फाइल है। तो चलिए इसके कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहली मेडिसिन डली हुई है हिपरसल्फ और हिपरसल्फ फोड़े और फुंसी में बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है और जल्दी से जल्दी पस को खींच लेती है और सुखा देती है फोड़ा जहाँ भी हो। और एक है सारसा बहुत ही अच्छी ब्लड प्यूरीफायर मेडिसिन है। और फिर उसके बाद एक मेडिसिन है कोनियम। तो अगर आपको फोड़ा हो गया है, फोड़ा सूख गया है और उसके बाद उसका बचा हुआ है तो वहाँ पर कोनियम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और फिर उसके बाद एरेनिया भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छी ब्लड प्यूरीफायर मेडिसिन है। मेडिसिन है फुमेरिया ऑफिसिनेलिस और फुमेरिया ऑफिसिनेलिस वेल नोन मेडिसिन है फॉर एक्जिमा, फॉर डर्मेटाइटिस और फॉर स्किन इरप्शंस। तो ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है स्किन इरप्शंस के लिए, डर्मेटाइटिस वगैरह के लिए और एक्जिमा अगर आपको हो गया है तो उसके लिए। और एक मेडिसिन है जुगलेंस और जुगलेंस एक्ने और पिंपल्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। जुगलेंस का आप मदर टिंचर अगर मिल जाए तो बहुत ही रेयर है, लेकिन आपको अगर मिल जाए तो वो एक्ने और पिंपल्स में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको दे देती है। और एक मेडिसिन है गैलियम एस्पिरिन और गैलियम एस्पिरिन आपका एक्जिमा वगैरह में और डर्मेटाइटिस में और पिंपल्स में भी अच्छी मेडिसिन है, खासकर पिंपल्स के लिए काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है गैलियम एस्पिरिन। और ये भी बहुत काफ़ी रेयर मेडिसिन है, आपको सभी होम्योपैथिक शॉप में नहीं मिलेगी, कहीं कहीं आपको इसका मदर टिंचर मिल सकता है। ये बहुत ही रेयर मेडिसिन है, इसमें आपको नॉर्मली होम्योपैथिक शॉप में आपको सारसा पेरीला और हिपरसल्फ ही मिलेगी और बाकी जो कॉम्बिनेशन इसका है ये R60 का, तो R60 का बाकी का कॉम्बिनेशन बहुत ही रेयर है, सिर्फ ये R60 में मिलता है। ये तो इसका कॉम्पोजिशन हो गया, लेकिन अब चलते हैं कि इसको लेना कैसे है। तो R60 को आपको सिंपल सा इसको खोलना है ऐसे, ठीक है, ये आपको यहाँ पर ऐसे खोल लिए। फिर उसके बाद एक चम्मच पानी लेंगे और एक चम्मच पानी में 10 बूंद डालना है और खाली पेट मतलब खाना खाने के या तो एक घंटे पहले ले लीजिए या एक घंटे बाद ले लीजिए, जब आपका पेट खाली हो जाए और आपके मुंह में किसी भी तरह की सुगंध ना हो तब आप इसको 10 बूंद एक चम्मच पानी में डाल के पी लीजिए। और इसको 2-3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम, और इसको कम से कम रेगुलरली 2 महीने तक लेना है। इसके इफेक्ट 1 महीने से देखना चालू होंगे, आपके इरप्शंस 1 महीने से ठीक हो जाएंगे और रेगुलरली 2 महीने लेना है। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको 2 महीने में काफ़ी अच्छा आराम लग गया है तो 1-2 महीने और आप ले लीजिए। तो पेशेंट से ये दवा लेनी है R60, और ये R60 इसमें दिख नहीं रही होगी, तो R60 आपको पेशेंट से दवा लेनी है। और ये बहुत ही अच्छा ब्लड प्यूरीफायर है और नॉर्मली जो आपको साफी या वगैरह जो भी ब्लड प्यूरीफायर मिलता है वो तुरंत आपको थोड़ा सा इफेक्ट तो दे देता है, लेकिन जैसे ही आप उसको बंद करेंगे
तो वापस से आ जाता है। लेकिन इसके साथ ये नहीं है, अगर आप इसको 2 महीने ले लेंगे या अगर आप उसको 4 महीने ले लेंगे तो आपके इरप्शन, सोराइसिस, डर्मेटाइटिस वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से ठीक हो जाएगा। तो अगर आपको डर्मेटाइटिस या इरप्शन या एक्जिमा, बहुत ये ऐसी बीमारियां हैं, अगर आपको हैं तो आप जानते होंगे कि ये बहुत ज़्यादा चलती हैं, बहुत लंबे समय तक चलती हैं, किसी को 1 साल, किसी को 10 साल, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो साथ में जो नॉर्मल होम्योपैथिक मेडिसिन आप ले रहे हैं सोराइसिस के लिए, डर्मेटाइटिस के लिए, उसके साथ आप R60 लें तो आपको बहुत इफेक्टिव रहेगा। अगर आपको इरप्शन है, फोड़ा फुंसी है, तो सिर्फ आप R60 लें 10 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, धीरे 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 वो फोड़ा फुंसी कम हो जाएगा, सूख जाएगा और उसके बाद ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं कि इसकी कितनी MRP है, तो इसके बारे में बता दूं तो इसकी MRP 200 रुपये है। ये आपको दिख रही होगी, यहाँ 200 रुपये की ये मेडिसिन आपको आती है, किसी भी होम्योपैथिक शॉप में अवेलेबल है। आप जाके डॉक्टर रेकबैक ऑनलाइन भी ले सकते हैं, होम्योमार्ट से ऑनलाइन भी ले सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप ऑनलाइन ले सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कि होम्योपैथिक क्लिनिक या होम्योपैथिक शॉप से ही लें, और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। साथ में अगर आप 200 रुपये नहीं खर्च कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं खर्च कर पाते हैं, तो उनके लिए एक मेडिसिन बता देता हूँ मैं, SRR इंडिका, इचिनेशिया और हाइड्रेस्टिस, ये तीनों को बराबर बराबर मात्रा में 30 ml में मिलवा लें होम्योपैथिक शॉप में जाके, और उसको 20-20 बूंद आधे का पानी में खाली पेट दिन में 3 बार आज लेना है। तो बस आपको SRR इंडिका, इचिनेशिया और हाइड्रेस्टिस, ये तीनों मेडिसिन को आप मिलवा के आपको 20-20 बूंद आधे का पानी में दिन में 3 बार लेना है, और बहुत ही सिंपल है। आप जाके किसी भी होम्योपैथिक शॉप में मिलवा लें, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा कि कैसे कैसे मिलाना है, और वो भी आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप नहीं ले सकते हैं, 200 रुपये नहीं खर्च कर सकते हैं, तो सिर्फ 80 रुपये की वो मेडिसिन आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप में मिल जाएगी, 80 से 85 रुपये की मेडिसिन समथिंग वो बन जाएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आपको, आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा। रेड कलर का सब्सक्राइब बटन यहाँ पर दिया हुआ है, तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और उसके बगल में एक बेल आइकन, जैसे ही आप अगर पहली बार मेरा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, और उसके बाद एक बेल आइकन मिलेगा तो बेल आइकन दबा दीजिएगा। उससे क्या होगा, जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ वीडियो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आएगा और आप तुरंत वो वीडियो देख सकेंगे और ऐसे ही नॉलेज गेन कर सकेंगे। अगर आपको मुझे कुछ और बताना है, अगर आप कुछ जानते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा, और रिप्लाई करता हूं मैं, हो सकता है कि वो 1 दिन या 2 दिन या 4 दिन बाद हो, लेकिन होगा वो रिप्लाई, क्योंकि मैसेज बहुत आ रहे हैं इस समय, तो कम से कम 2-4 दिन लगता है। मैं नीचे से चालू करता हूं, धीरे 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 मैसेज के आंसर देना चालू रहता है, तो आप थोड़ा सा सब्र रखिए, आपको मैसेज करिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको रिप्लाई आराम से मिलेगा। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।